पुरानी शक्तियाँ हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से। तो फाइनली दोस्तों, ब्रह्मास्त्रा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर दिया जो कि पिछले साल रिलीज हुई सूर्यवंशी के बाद बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्रा फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, और यही तक नहीं, फिल्म के जो दूसरे दिन के कलेक्शन हैं वो पहले दिन के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्रा के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्मास्त्रा फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या फ्लॉप। तो दोस्तों, आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्रा, जिसका बजट है 410 करोड़ रुपए, और फिल्म को दुनिया भर में 9000 स्क्रीन पे रिलीज किया था। फिल्म वैसे तो एक हिंदी फिल्म है, लेकिन हिंदी के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया था। और दोस्तों, फिल्म ने हिंदी मार्केट में जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई की, उसी तरह का शानदार रिस्पांस फिल्म को साउथ में भी मिला। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के फर्स्ट डे अपडेटेड डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर ब्रह्मास्त्रा का जो फर्स्ट डे हिंदी नेट कलेक्शन है वो रहा 32 करोड़ 61 लाख रुपए, वही फिल्म ने साउथ भाषाओं से 4 करोड़ 11 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। यानी कि दोस्तों, ब्रह्मास्त्रा का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 36 करोड़ 72 लाख रुपए का रहा। वही दोस्तों, फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 43 करोड़ 41 लाख रुपए का रहा। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों हम सबको क्या लग रहा था कि फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट से 20-25 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्रा फिल्म ने जितनी शानदार कमाई अपने देश हिंदुस्तान से की, उतना ही दमदार कलेक्शन फिल्म का ओवरसीज मार्केट से भी रहा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ब्रह्मास्त्रा का जो फर्स्ट डे अपडेटेड ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 31 करोड़ 70 लाख रुपए। सही सुना आपने, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से पहले दिन 31 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ दोस्तों, ब्रह्मास्त्रा का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 75 करोड़ रुपए का। कल के वीडियो में हमने इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या किया था कि फिल्म पहले दिन 72 से 75 करोड़ कमाएगी, और हमारा प्रेडिक्शन यहां पर 99% करेक्ट निकला, और फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन सभी भाषाओं से 75 करोड़ का कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आप बात करें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो यहां पर फिल्म की जो दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी है वो मॉर्निंग वाले शोज में तो लगभग कल जैसी लग रही थी, जिसे मुझे लगा था कि ये फिल्म दूसरे दिन शायद बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी कम कमी करेगी। लेकिन दोस्तों, फिल्म के आफ्टरनून और इवनिंग के शोज ने जो रफ्तार पकड़ी है वो कल से बेहतर है, मतलब कि कई जगह पर फिल्म जितनी कमाई कल नहीं कर पाई ना, उससे ज्यादा कमाई आज कर रही है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ब्रह्मास्त्रा अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 40 करोड़ का कर सकती है, जिसमें ग्रोस कलेक्शन होगा 48 करोड़ का। वही दोस्तों, फिल्म का दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट से यानी कि विदेशों से ग्रोस कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, ब्रह्मास्त्रा का दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 63 करोड़ का हो रहा है। जी हां दोस्तों, पहले दिन 75 करोड़, दूसरे दिन 63 करोड़, यानी कि शुरुआती दो दिनों में ब्रह्मास्त्रा का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो जाएगा 138 करोड़, यानी कि लगभग 140 करोड़ के रेंज में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कल है संडे, और कल फिल्म के जो कलेक्शन है उसे देखने के बाद तो जो बाइकोटिए है ना, उनकी ओर जल जाएगी, क्योंकि कल फिल्म के कलेक्शन कहीं ज्यादा आने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं दोस्तों, कल तक तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 200 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिल्म का फाइनल कलेक्शन आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रह्मास्त्रा का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड मार्केट में वो कितने करोड़ का हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।